वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम करने वाले हैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन के PYQs। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग। देखो अब एम फेज कहा गया, तो एम फेज से समझो, एम फेज किसे कहते थे, माइटोसिस को कहा जाता था, जो माइटोसिस डिवीजन हो रहा था। ठीक, एम फेज तो क्या है वहाँ पे, माइटोसिस क्या था हमारा, इक्वेशनल डिवीजन, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फोर्थ। फिर है जी टू फेज। जी टू फेज में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं जो आगे फर्दर चाहिए, जो डिवीजन में लगने वाले हैं। तो जी टू का क्या हो जाएगा, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज। फिर है क्वीसेंट स्टेट, मतलब जी नॉट की बात की गई है। जी नॉट में क्या होता था, सेल इनएक्टिव स्टेट में पड़ा रहता था, जिनको फर्दर डिवाइड नहीं करना होता, तो क्या है, इनएक्टिव फेज है। और जी वन फेज क्या है, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब जी वन को कैसे बोला गया है, ये हमने पढ़ा था, ये ऐसे डिवाइडेड था हमारा, ये थी जी वन, फिर एस, फिर जी टू और फिर ये एम फेज। तो इन्होंने कहा जी वन कौन सी फेज है, किसके बीच की फेज है, वो माइटोसिस के बीच की और एस फेज के बीच की फेज है हमारी जी वन फेज। तो इसलिए क्या आएगा, जी वन हो गई, इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ए। अमंग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस इन, अगर यूकैरियोट्स है तो वहाँ पे जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहाँ पे होता है, एस फेज में होता है, हमने पढ़ा है। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, अब नीचे दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। ड्यूरिंग जी नॉट फेज, जो सेल है सेल साइकिल का, सेल मेटाबॉलिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है। दूसरा दिया गया है कि द सेंट्रोजोम अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज। अब देखो जो सेंट्रोजोम होता है, हमने पढ़ा एस फेज में दो ही चीज़ डुप्लीकेट होती थी, सेंट्रोजोम होता था कि सेंट्रियोल होता था, अब खुद सोच के बताओ। देखो जो सेल होता है ना, पहले तुम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट से चलते हैं, जो सेल है जी नॉट फेज में, मतलब क्वीसेंट में, वहाँ पे सेल साइकिल जो होता है मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। ये मैंने समझाया था कि वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगे, लेकिन वो कैसी फेज है, इनएक्टिव फेज है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई, इन्होंने खेल कर दिया। देखो इनएक्टिव लिख दिया, बहुत सारे बच्चे एकदम सही मान गए हाँ कि भाई पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, नहीं वो इनकरेक्ट है। एनसीईआरटी में लिखा गया है दो, ये इनएक्टिव फेज है, लेकिन यहाँ पे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, लेकिन कोई भी फर्दर वो डिवाइड वगैरह नहीं करता। और जो एस फेज है इंटरफेज की, वहाँ पे सेंट्रोजोम क्या होता है, डिवाइड होता है सेंट्रियोल्स में, और जो सेंट्रोजोम है ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, एस फेज में होती है। देखो हमने एस फेज में दो चीज़ पढ़ी थी, क्या होगा वहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए डुप्लीकेट करेगा और हमारे सेंट्रियोल सेंट्रोजोम्स ये डुप्लीकेट करते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट द सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिर से मैचिंग वाले की एस फेज में क्या होता है, साफ सबको पता है डीएनए रेप्लिकेशन होता है। जी टू फेज क्या है, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। क्वीसेंट स्टेज क्या है, इनएक्टिव फेज है। जी वन क्या है, इंटरवल। अब बस इन्होंने एक चेंज कर दिया, यहाँ पे एम फेज की जगह एस फेज डाल दिया, ये सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। तो इसका आंसर भी ऑप्शन में से देख लें ना कौन सा बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। द फ्रूट फ्लाई हैज़ अ 8 क्रोमोजोम, जो फ्रूट फ्लाई है उसके पास 8 क्रोमोजोम है, दैट इज टू इन ईच सेल। अब ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस, अब इंटरफेज ऑफ माइटोसिस के टाइम पे अगर नंबर ऑफ क्रोमोजोम जी वन फेज पे 8 थे, तो कितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम रह जाएंगे एस फेज के बाद। अब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट मैथ्स रूल कुछ नहीं लगने वाला, बेसिक्स ही हमने एनसीईआरटी की लाइन पढ़ी है कि क्रोमोसोम का नंबर हमेशा सेम रहता है, चाहे वो जी वन में हो, चाहे एस में हो, चाहे जी टू में। तो अगर पहले भी क्रोमोसोम 8 थे, तो अब भी कितने ही रहने वाले, 8 ही रहने वाले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, फिफ्थ का बी। नेक्स्ट चलते हैं। सेंट्रियोल अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग, सेंट्रियोल कब डुप्लीकेट करता है, एस फेज के टाइम पे डुप्लीकेट करता है सेंट्रियोल। नेक्स्ट चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू जी वन गैप वन ऑफ द इंटरफेस, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग जी वन और गैप वन के लिए। डीएनए सिंथेसाइज और रेप्लिकेट होता है, नहीं वो एस फेज में होता है। रीऑर्गनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट्स टेक प्लेस, जितना भी रीऑर्गनाइजेशन होना है सेल के सारे कंपोनेंट्स का, वो सब कुछ होता है वहाँ पे। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि सेल वहाँ पे मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और वहाँ पे कोई भी उसका जो डीएनए है वो रेप्लिकेट नहीं होता, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इसकी, सेवेंथ के लिए सी करेक्ट है। और जो रीऑर्गनाइजेशन होता है ना, रीऑर्गनाइजेशन ऑफ ऑल द सेल कंपोनेंट्स टेक प्लेस, वो एम फेज की बात की गई है। रीऑर्गनाइजेशन तो तभी होगा ना, एम फेज जब डिवीजन होगा, अब तो सब डुप्लीकेट हो चुके, अब उनको बराबर बराबर बांटा जाएगा, तो किस फेज में बांटा जाएगा, एम फेज में बांटा जाता है। तो रीऑर्गनाइजेशन होता है एम फेज में, डीएनए सिंथेसिस होता है एस फेज में, इसलिए पहली भी गलत, दूसरी भी गलत, तीसरी ठीक है, वहाँ पे मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है लेकिन वहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता और न्यूक्लियर डिवीजन भी वहाँ पे नहीं होता। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। सम डिवाइडिंग सेल एग्जिस्ट द सेल साइकिल एंड एंटर द वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेट, कुछ सेल्स से जो सेल साइकिल दिखाते हैं और कुछ वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं, इसे बोलते हैं क्यूसेंट स्टेट। तो ये प्रोसेस कब होता है, किसके एंड पे होता है, जी वन के एंड पे होता है, एम के एंड पे होता है, एस के एंड पे होता है या जी टू पे। तो हमने ये जो डायग्राम देखा था एनसीईआरटी में, यहाँ जी वन थी, यहाँ एस था, यहाँ जी टू था और यहाँ एम था। तो यहाँ जी वन के बाद ही यहाँ दे रखा था जी नॉट, तो जी वन जब एंड होती है उसी के बाद आती है हमारी जी नॉट, तो अकर्स एट द एंड ऑफ जी वन फेज।
जो सेल्स होते हैं जीनोटफेस में क्या करते हैं, वो टर्मिनेट करते हैं सेल साइकिल को, एग्जिट कर देते हैं सेल साइकिल को, एंटर करते हैं सेल साइकिल में, ये सस्पेंड करते हैं सेल साइकिल को। तो क्या करते हैं वो, एग्जिट करते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है एग्जिट द सेल साइकिल, वो सेल साइकिल को जिनको फर्दर डिवाइड नहीं करना होता वो सेल साइकिल को एग्जिट करके कौन सी स्टेज में चले जाते हैं, जीनोट में, इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलते हैं, करेक्ट सीक्वेंस क्या है फेज साइकिल का। देखो सबसे पहले क्या होगी, एम होगी, जी होगी, ये तो सबको पता है, जी वन है, फिर एस है, फिर जी टू है, फिर एम है। तो क्या सीक्वेंस हो जाएगा इसका, पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग सेल ग्रोथ, जब सेल ग्रोथ हो रही है तो डीएनए सिंथेसिस कहाँ होता है, एस फेज होता है। अब तुम देख रहे हो कितने ईजी ईजी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, अगर तुम्हारे इसके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तुम्हें साफ साफ चीज़ें पता है, तो तुम्हें एक सेकेंड नहीं लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, पूरा सोचने में कि क्या इसका आंसर जाने वाला है। सब एनसीईआरटी से लाइन से पूछा गया है। व्हेन द सेल हैज इंस्टॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क व्हिच चेक पॉइंट शुड बी। अब देखो ये थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी है, इसे कह सकते हो तुम, और ये पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे, तुम इसको स्किप कर सकते हो। और अगर तुम्हें जानना है तो इसका आंसर होता है जो चेक पॉइंट होता है। इन्होंने कहा कि डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क है, चेक पॉइंट कहाँ पर होगा कि हमें ये देखना है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये हमारी साइकिल थी जी वन, एस, जी टू और यह थी एम, ठीक है ये पूरी। तो अब डीएनए का रेप्लिकेशन हो के बाद अब वो कहाँ जाना है, इसको आगे फर्दर डिवाइड करने जाना है। तो जो उसका चेक होता है ना वो यहाँ पे होता है, यहाँ से निकल के आएगा, तो इसमें फर्दर डिवीजन में जाने के लिए वो चेक करेगा कि जो डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह चीज़ थी वो करेक्ट हुई है कि नहीं हुई। अगर वो चेक पॉइंट ये चेक करता है इस चीज़ को, अगर नहीं होती तो उसको वापस भेज दिया जाता है डीएनए को, जाओ पहले अपने आपको सही करके आओ, अगर सब कुछ सही होता है तो फर्दर उसको आगे भेज दिया जाता है। तो इसके लिए चेक पॉइंट होता है जी टू और एम फेज। जो कुछ सेल्स होते हैं ना एडल्ट एनिमल के, उसमें वो दिखाते ही नहीं है डिवीजन वगैरह ये सारी चीज़ें, तो वो जी नॉट में चले जाते हैं ऊपर से, यहाँ जी नॉट थी। तो ऐसी पूरा ये सीक्वेंस होता है, ये बेसिकली ना ये ऐसे होते थे, साइक्लिन सेल, चेक पॉइंट्स होते थे, इनको पढ़ाया जाता था, पहले पढ़ाया जाता था क्योंकि पहले कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब कुछ है नहीं। अब तुम वैसे भी देख ही रहे हो कि सारा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड दिया था, तो हमें एनसीईआरटी ओरिएंटेड रहना है, तो हम फालतू की एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, पूरा हम एनसीईआरटी बेस्ड ही चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, असोमेटिक सेल दैट हैज़ जस्ट कंप्लीटेड द एस फेज, जिसने अभी एस फेज कंप्लीट करी अपनी सेल साइकिल की, एज कम्पेयर टू द गैमेट ऑफ द सेम स्पीशीज, अगर उसको कंपेयर किया जाए उसके गैमेट से तो उसमें क्या होने वाला है, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड फोर टाइम्स द अमाउंट ऑफ डी एन ए। अब देखो बात समझो, एक सोमेटिक सेल है पूरा, ठीक, उसने एस फेज कंप्लीट कर लिया और गैमेट है, तो गैमेट कहाँ बनते थे, मियोसिस में। मियोसिस में क्या होता था, रिडक्शन डिवीजन होता था, मतलब चीज़ें हाफ हो जाती थी इसकी। और एस फेज में क्या होता है, क्रोमोसोम कितना जाता था, क्रोमोसोम कंटेंट तो सेम रहेगा और लेकिन जो डीएनए कंटेंट था वो कितना हो जाता था, 2C से 4C बन जाता था एस फेज में। तो अब समझते हुए चलो, इन्होंने कहा जो सोमेटिक सेल है जिसने भी एस फेज कंप्लीट करी है सेल साइकिल की, अगर उसको कंपेयर करें हम गैमेट के साथ, उसी के गैमेट के साथ, तो उसमें क्या होगा, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड फोर टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए। हाँ देखो अभी बिल्कुल सही बात है, अब गैमेट है तो मतलब उसमें क्रोमोसोम नंबर अगर यहाँ पे प्लॉइड 2n थी तो अब गैमेट के अंदर कितनी प्लॉइड होगी, n होगी, ठीक है, फिर एन फोर टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए। अब हमने पढ़ा था एस फेज के बाद अगर डीएनए पहले 2C था फिर ये एस फेज हो गई, एस फेज के बाद डीएनए बन जाएगा यहाँ पे 4C, क्रोमोसोम नंबर तब भी सेम था और अब भी सेम रहने वाला है, लेकिन जब मियोसिस होगा तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। ये क्या है, गैमेट की बात की जा रही है और इधर सोमेटिक सेल की बात की जा रही है। ये तो क्या हुआ यहाँ पे, क्रोमोसोम का नंबर तो 2n है, उसका दुगना है और डीएनए अमाउंट कितना है, 4 गुना है उसका। तो ये बिल्कुल ठीक है फर्स्ट ऑप्शन की, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 4 times द अमाउंट ऑफ डीएनए। अब नीचे की 4 times द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, भाई 4 times कैसे हो जाएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होगा ना, और क्रोमोसोम नंबर 2n है तो 2n ही रहेगा, और जब हाफ होगा तो हाफ 2n का हाफ कितना होता है, n, तो ये हो ही नहीं सकता। और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए, नहीं, डीएनए का अमाउंट बढ़ता है अगर डीएनए पहले 2C था, हमने एनसीईआरटी में पढ़ा तो वो 4C बन जाता है, तो ये ऑप्शंस भी गलत हैं। तो इसका एक ही ऑप्शन है कि ट्वाइस नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 4 times द अमाउंट ऑफ डीएनए, और ये तो गलत ही जगह कि इसने क्या बोल दिया, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए, नहीं, तो इसने कहा क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, नहीं भाई, गैमेट तो तभी बनता है जब रिडक्शन डिवीजन होता है, और रिडक्शन डिवीजन में क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल जो अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल रिमेन एट 4C लेवल। अब देखो वो 4C लेवल पे कब रहने वाला है, अगर उसका इनिशियल अमाउंट कितना था, डिनोटेड एज 2C। अब देखो 4C कब हुआ होगा, जब उसने एस फेज कंप्लीट कर ली होगी, और जब एस फेज कंप्लीट कर ली होगी तो एस फेज के बाद कौन सी अगली फेज है हमारी, यहाँ पे देखो जो हमने डायग्राम बना रखा है, एस फेज के बाद कौन सी अगली फेज है, G2। तो कहाँ पे मिलेगा, सिर्फ G2 फेज में मिलेगा। द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, जो एस फेज होती है यहाँ पे क्या होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल इन ईच सेल, अमाउंट जो होता है डीएनए का हर सेल में डबल हो जाता है, सेम रहता है, नंबर इंक्रीज हो जाता है या हाफ हो जाता है। अभी हम पढ़ रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, तो वहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाता है, डबल हो जाता है।
नेक्स्ट चलते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ. गिवन बिलो इज अ स्कीमेटिक ब्रेकअप ऑफ द फेज स्टेज ऑफ द सेल साइकिल. कौन सी इनमें से करेक्ट है? देखो अभी इन्होंने पूरा डायग्राम दे दिया, अब तुमसे पूछा बताओ कौन सी क्या होगी. देखो ये क्या है, इंटर माइटोसिस दे दी, उसके बाद क्या आने वाली है, जी वन आएगी, एस आएगी, जी टू आएगी. तो ये क्या हो जाएगी, जी वन, ये हो जाएगी एस, ये हो जाएगी जी टू, फिर एम फेज. यहाँ पे पूरी है एम फेज थी, एम फेज में प्रो फेज, एना फेज, टीलो फेज एंड प्रो फेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलो फेज. और ये क्या होती है हमारी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस वाली पूरी हमारा पूरा ही सेल साइकिल. वही डायग्राम है जो मैंने बताया था कि डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? इन्होंने क्या लिखा है, सी को कैरियोकाइनेसिस लिखा है. सी कैरियोकाइनेसिस होती है? नहीं, कैरियोकाइनेसिस तो नहीं होती, वो साइटोकाइनेसिस होगी ना. अब तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, कैरियोकाइनेसिस तो हो गई न्यूक्लियस का डिवीजन एम फेज में. फिर डी बताइए उन्होंने, सिंथेटिक फेज. हाँ ये तो सही है, जीवन के बाद एस आने वाली. ए साइटोकाइनेसिस नहीं, ए साइटोकाइनेसिस थोड़े ना है. बी मेटाफेज है, नहीं. बी कौन सी थी हमारी, देखो ये प्रो फेज, पहली वाली प्रो, उसके बाद वाली मेटा, और बी वाली कौन सी है हमारी, एना फेज. तो ये भी गलत है. तो आंसर कौन सा सही है, डी. डी क्या है हमारी, सिंथेटिक फेज. एट वॉट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल आर द हिस्टोन सिंथेसाइज इन अ यूकैरियोटिक सेल. अब देखो हिस्टोन क्या है, प्रोटीन है. प्रोटीन कहाँ सिंथेसिस हो रहे थे, जी टू फेज पे. तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, जो एस फेज होती है ना वहीं पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और जो हिस्टोन प्रोटीज होते हैं वो इसी फेज में इनकी आवश्यकता होती है. तो ये जो होता है इसलिए ये भी सिंथेसाइज, ये वो है. तो मैं याद करके रखना है कि जो प्रोटीन्स हमने पढ़ा है, प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं जी टू में, लेकिन जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो कहाँ सिंथेसाइज हो जाते हैं, वो एस फेज में होते हैं, क्योंकि उनकी आवश्यकता वहीं पड़ती है. इन सोमेटिक सेल साइकिल, अगर जो सोमेटिक सेल साइकिल है हमारी, वहाँ पे जी वन फेज डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा, अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन द ओरिजिनल सेल. नहीं भाई, वहाँ पे तो सेम ही रहेगा क्योंकि एस में होता है डीएनए रेप्लिकेशन. ये बात बिल्कुल सही है, डीएनए रेप्लिकेशन का होगा, एस फेज में होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. इन विच ऑफ द सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन, अगर कौन सी सेल साइकिल की किस में डीएनए रेप्लिकेशन होगा, एस फेज में होगा. विच टिपिकल स्टेज इज नोन फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन. कित देखो ये तुम देख लो, डीएनए रेप्लिकेशन वाला कितनी बार क्वेश्चन रिपीट, अभी तक में हम इतनी देर में कम से कम 8 बार तो ये क्वेश्चन कर ही चुके होंगे. एस फेज. इन सोमेटिक सेल साइकिल डीएनए सिंथेसिस का होता है, फिर से एस फेज. विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स ड्यूरिंग द माइटोटिक सेल डिवीजन. अब माइटोटिक सेल डिवीजन के टाइम पे ऐसी कौन सी चीज़ है जो कभी नहीं होगी. देखो क्या लिखा है, माइटोसिस, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटिक कोर्स ऑफ द क्रोमोसोम. हाँ भाई अटैच तो होंगे, हमें डिवाइड कराने जब मूवमेंट ऑफ सेंट्रोल, ये भी होगा, ये भी होगा. कॉइलिंग एंड द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिड, ये भी होगी. अब क्या लिखा, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये नहीं होता. पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हमने कहाँ पढ़ा है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है हमारा मियोटिक डिवीजन में, मियोसिस में होता है, ना कि माइटोसिस में. तो ये तुम्हें याद रखना है, क्योंकि एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज टू में हमने डिफरेंस यहीं से पढ़ा था कि क्या हो रहे थे, एनाफेज वन में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, और एनाफेज टू में क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं. होमोलोगस क्रोमोसोम के सेपरेशन होने की वजह से यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, इसलिए उसी को रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द माइटोसिस. माइटोसिस के रेफरेंस में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ऑल द क्रोमोसोम लाए द इक्वेटर एट द मेटाफेज. जितने भी क्रोमोसोम है वो लाए करते हैं इक्वेटर पे, मेटाफेज पे. सही बात है. स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं सेंट्रोमेयर ऑफ द क्रोमोसोम. सही है. क्रोमोसोम डी कंडेंस होते हैं टेलोफेज पे, और जो स्प्लिटिंग है सेंट्रोमेयर का वो होता है एनाफेज पे. तो अब बताओ माइटोसिस के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट तुम्हारे हिसाब से गलत है. जो स्पिंडल, देखो ये सही है कि ऑल क्रोमोसोम लाए करते हैं इक्वेटर मेटाफेज प्लेट पे. सही बात है. दोबारा पढ़ते हैं सारी स्टेटमेंट, ये बिल्कुल सही है. इसने क्या पूछा गया हमसे, इनकरेक्ट पूछा गया. अब फिर इसने बोला स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, हाँ सेंट्रोमेयर से अटैच होते हैं क्रोमोसोम के. नहीं, सेंट्रोमेयर से नहीं होते, काइनेटोकोर से होते हैं. इसलिए देखो मैं भी जल्दी जल्दी में क्वेश्चन गलत कर गई. तो हमें ये बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, और एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना है. क्या लिखा है इसने, सेंट्रोमेयर से अटैच होते, नहीं सेंट्रोमेयर से अटैच नहीं होते, हमारे काइनेटोकोर से अटैच होते हैं. तो इसलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या बन जाएगा इसका, बी ऑप्शन. आंसर विल बी बी. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट ड्यूरिंग माइटोसिस. माइटोसिस के टाइम पे कौन सा बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस है, क्या क्या होता है. सबसे पहले क्या होगा, देखो कंडेंसेशन होगा, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह सब गायब हो जाएगी, फिर क्या होगी, मेटाफेज आएगी, इक्वेटर पे अलाइन होंगे, फिर एनाफेज आएगी, सेंट्रोमेयर डिवीजन होगा, फिर सेग्रीगेशन वो बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, फिर क्या आएगी, टेलोफेज आएगी. तो कौन सा देखते हैं सीक्वेंस. सबसे पहले क्या होने वाला है, कंडेंशन सही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ठीक है, डिसेंबली सही है, अरेंजमेंट होगा, मेटाफेज आ गई, सेंट्रोमेयर का डिवीजन हुआ, फिर सेग्रीगेशन और टेलोफेज. तो ये पहला ही हमारा क्या एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा, यही पूरा हम सीक्वेंस फॉलो करते हैं. देखो माइटोसिस क्या है, 4 फेजेस में बटा है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज.
प्रोफेज में क्या होता है, वहाँ पे जो क्रोमोसोम वगैरह इंडिस्टिंग होते हैं एंड सब डिटेंगल वगैरह होते हैं, कंडेंस होता है ताकि हमें क्रोमोसोम दिखने लगे। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होती है मेटाफेज से पहले वाले, मतलब लेट जो हमारी प्रोफेज हम बोल सकते हैं। फिर जब मेटाफेज आती है क्रोमोसोम अलाइन होने लगते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे, और जब एनाफेज आती है तो सेंट्रोमेयर जो हर एक क्रोमोसोम का डिवाइड होता है ताकि जो अलग अलग क्या है अपने अपने सेंट्रोमेयर पे जा सकें। फिर क्रोमेटिड अपोजिट पोल्स में मूव करते हैं क्रोमोसोम के लिए, और जब टेलोफेज आती है तो जो दो क्रोमोसोम्स हैं हमारे क्रोमोसोम के ग्रुप हैं वो रीऑर्गेनाइज होते हैं दो न्यूक्लियाई में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से आने लगती है, सारे गॉल्जी कॉम्प्लेक्स ईआर वगैरह सब कुछ वापस से आने लगता है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन जो है, देखो अब तुम इसमें देख सकते हो कि जो सी ऑप्शन है ना वो भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली है ना तो वो मेंशन नहीं किया गया है। तो सी ऑप्शन में देखो, यहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा है, अरेंजमेंट हो रहा है, सेंट्रोमेयर डिवाइड कर रहा है, सेग्रीगेशन हो रहा है, टेलोफेज। देखो यहाँ एक चीज़ स्टेप है, कौन सी वाली स्टेप है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली मेंशन नहीं किया गया। अब तुम्हें देखना है कि इनमें से मोस्ट करेक्ट कौन सा जाएगा, ए ऑप्शन, तो इसलिए इसका आंसर ए जाएगा। जो बच्चा सी लगेगा वो उसका निगेटिव में चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर उन्होंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली मेंशन किया गया और वो मोस्ट करेक्ट आंसर है उसका, मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। अब देखो ये भी पहले पूछा जाता था, पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या है कि जो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स है एपीसी, वो एक प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी है जिससे ज़रूरी है वो माइटोसिस कराने के लिए एनिमल सेल में। अगर एपीसी एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स ही डिफेक्टिव हो जाए ह्यूमन सेल में तो तुम क्या हो सकता है। अब तुम सोचो कि जो एनाफेज था एनाफेज पे होता क्या था, एनाफेज में क्या होता है, माइटोसिस में सिस्टर क्रोमैटिड्स सेग्रीगेट होते हैं अपोजिट पोल्स में मूव करते हैं। अगर डिफेक्टिव एपीसी ही हो जाए तो वहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन पे इफेक्ट पड़ने वाला है। तो तुम्हारे हिसाब से ऑप्शंस पर लो आंसर मिल जाएगा कि क्रोमोसोम वहाँ पे सेग्रीगेट नहीं करेगा, तो आंसर क्या चल जाएगा, बी ऑप्शन, क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट। स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन, स्पिंडल फाइबर कहाँ अटैच होता है, स्पिंडल फाइबर हमारे काइनेटिक कोर पे अटैच होते हैं। अभी हम ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे जो जल्दी जल्दी में हमने गलत कर दिया था, क्योंकि वहाँ लिखा था कि सेंट्रोमेयर पे अटैच होंगे, नहीं, सेंट्रोमेयर से दो हमारे क्रोमैटिड्स अटैच होते हैं, उसके बाद एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है। कौन सा स्ट्रक्चर होता है, एक डिस्क शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ये हमारे क्रोमोसोम, ये हमारा सेंट्रोमेयर, इधर ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर जो है काइनेटोकोर से अटैच होते हैं हमारे स्पिंडल फाइबर्स। तो क्या हो जाने वाला है इसका आंसर, काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम्स। और एपीसी कॉम्प्लेक्स अगर डिफेक्टिव हो जाएगा तो वहाँ पे क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमैटिक सेल्स। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है माइटोसिस का जो सोमैटिक सेल्स में हो, क्रोमोसोम का मूवमेंट, साइनेप्सिस, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस और स्पिंडल फाइबर। देखो साइनेप्सिस क्या थे, हम साइनेप्सिस पेयरिंग को ही कह रहे थे, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज साइनेप्सिस। अभी हमने क्वेश्चन करा कि होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग कहाँ होगी, सिर्फ मियोसिस में होगी, तो माइटोसिस में नहीं होगी। आई स्टेज इन द सेल सेल डिवीजन इज शोन इन द फिगर, सेलेक्ट द आंसर विच गिव्स द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टेज विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो इसने तुम्हें देख के समझ आ रहा होगा ये क्या है, कि यहाँ पे क्या होने वाला है, टीलोफेज की फॉर्मेशन, हम टीलोफेज की तरफ इसमें मूव कर रहे हैं। तो देखो अब इसमें क्या दिया है, साइटोकाइनेसिस तो नहीं है, गलत है। अब दो ऑप्शन में हमें टीलोफेज दिया गया, तो हम वहाँ से चलेंगे। टीलोफेज पहले लिखा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियोलस नॉट रिफॉर्म डेड, गलत बात है भाई। देखो सारा जो मटेरियल है वो वापस से क्या हो चुका है, पूरा डिकंडेंस होके सब कुछ चीज़ें हो चुकी हैं, वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आ चुकी है, ये सारे कॉम्प्लेक्स भी आ चुके हैं। तो क्या है, टीलोफेज, जहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप गॉल्जी कॉम्प्लेक्स सब कुछ बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ द माइटोसिस स्पिंडल फाइबर अटैच टू द क्रोमोसोमेट। अब वही आ गया फिर से, मेटाफेज स्टेज आएगी, स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के किससे अटैच होंगे, सेंट्रोमेयर काइनेटोकोर से, सेंट्रोमेयर काइनेटोकोर एरिया, सेंट्रोमेयर ये किस चीज़ से, सिर्फ काइनेटोकोर से अटैच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्टेज ऑफ द माइटोसिस शोन इन द डायग्राम, विच स्टेज इट इज एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक। अब जो स्टेज देखो साफ समझ आ रहा है, बिल्कुल अलाइन है ये इक्वेटोरियल प्लेट पे लाइन, तो कौन सी स्टेज है, मेटाफेज है। तो क्या होगा, यहाँ पे क्रोमोसोम मूव करेगा टूवर्ड द स्पिंडल इक्वेटर, क्रोमोसोम मेटअप ऑफ सिस्टर क्रोम, अब दो में दे रखा है, अब हम उसको, क्योंकि ना एनाफेज है ना लेट प्रोफेज है, तो क्या है ये जो मेटाफेज है वो स्पिंडल फाइबर अटैच है काइनेटोकोर से और सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो गया, नहीं सेंट्रोमेयर कहाँ स्प्लिट होगा, अगली फेज एनाफेज में होगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, हमारा आंसर बन जाएगा बी कि क्रोमोसोम मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर, हाँ इक्वेटर पे आ गए क्रोमोसोम, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स के यहाँ पे बने हुए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द माइटोसिस, माइटोसिस के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्रोमैटिड सेपरेट होंगे लेकिन रिमेन इन द सेंटर ऑफ द सेल इन एनाफेज, कि क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे लेकिन सेंटर में रहेंगे एनाफेज के, ये सही है गलत है ये। क्रोमैटिड स्टार्ट मूविंग टूवर्ड द अपोजिट पोल इन टीलोफेज, नहीं भाई वो तो पहले ही करने लगता है, टीलोफेज में क्यों जाएगा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी भी विजिबल होगा प्रोफेज के एंड तक, नहीं वो गायब हो जाते हैं। क्रोमोसोम मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन अलोंग द क्यूटुरेटेड मेटाफेज, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि हाँ क्रोमोसोम स्पिंडल इक्वेटर पे आते हैं और क्या होते हैं अलाइन हो जाते हैं क्यूटुरेटेड मेटाफेज में। अभी ऊपर हमने डायग्राम में भी देखा था कि वो मेटाफेज स्टेज का डायग्राम दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, एट मेटाफेज क्रोमोसोम अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर्स बाय देयर, किसके थ्रू अटैच होगा, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन से, कैनेटोकोर से कि सेंट्रोमेयर से। ऑब्वियसली बात है किससे अटैच होने वाला है हमारा, कैनेटोकोर से अटैच होगा। कितनी बार आ चुका, देखो ये क्वेश्चन भी कितनी बार रिपीट हो गया, एस फेज वाला भी कितनी बार रिपीट हो गया, ऐसे जो कुछ क्वेश्चन है ना एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं जो हमेशा पूछता ही पूछता है। अब ड्यूरिंग माइटोसिस, माइटोसिस के टाइम पर क्या होगा, ER और न्यूक्लियस जो है वो डिसअपियर, किस स्टेज पर डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे, अर्ली प्रोफेस पे ही वो क्या हो जाते हैं डिसअपियर हो जाते हैं, लेट प्रोफेस पे आते आते हैं वहाँ पे हमें क्रोमोसोम थोड़ा थोड़ा अच्छे से पूरा वो क्या हो जाता है वहाँ पे दिखने लगता है, ये दिया गया है एनसीईआरटी में। जो इनका डिसअपीयरेंस है वो अर्ली प्रोफेस में स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, फिर से इन्होंने दो डायग्राम दिए गए हैं स्टेजेस के बताने की और भी क्या क्या है। तो देखो अब ध्यान से देखो तुम्हें क्या समझ आ रहा है, ये क्या है कि अपोजिट पोल्स पे मूव कर चुके हैं क्रोमोसोम। इसे रुको थोड़ा जूम करते हैं ताकि अच्छे से समझ आए। देखो ये क्रोमोसोम्स हैं अपोजिट पोल्स पे जा चुके हैं, तो कहाँ पे सेपरेशन हुआ होगा इनका, एनाफेज पे। और यहाँ क्या है कि अभी यहाँ पे जो डीएनए है ना वो थोड़ा थोड़ा जो क्रोमोसोम है वो अच्छे से विजिबल हुआ है, अभी जो उसकी चीज़ें हैं ऑर्गेनाइज डिसअपियर हो रही हैं। तो उन ये एनसीईआरटी का डायग्राम है कि चीज़ें अब तुम्हें दिख रही हैं, तो हम क्या पढ़ते थे लेट प्रोफेज जो थी हमारी वहाँ पे हमें क्रोमोसोम दिखने लगते थे, तो ये क्या हो गई प्रोफेज और ये क्या हो गई एनाफेज। तो क्या ऑप्शन चला जाएगा इसका, लेट एनाफेज एंड द प्रोफेज। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, इफ़ यू आर प्रोवाइडेड विद अ रूट टिप ऑफ द ऑनियन इन योर क्लास एंड आर आस्क्ड टू काउंट द क्रोमोसोम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज कैन यू मोस्ट कन्वीनियंटली लुक इनटू, अगर आपसे बोला जाएगा कि बताओ इसके क्रोमोसोम बताओ देखिए तो आप क्या देखोगे, और हमने एक लाइन चार्टी में लाइन पढ़ी, इट इज़ द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द क्रोमोसोम, तो कौन सी थी वो मेटाफेज। ये मेटाफेज होता है बेस्ट टाइम होता है नंबर काउंट करने का, उनकी मॉर्फोलॉजी काउंट करने का क्रोमोसोम की, क्योंकि यहाँ पे इजीली अच्छे से एकदम विजिबल होता है, और ये एनसीईआरटी की लाइन है। अब बच्चे बोल रहे हैं तो आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया भाई हमसे पूछ लिया, नहीं उन्होंने बता रखा है कि बेस्ट स्टेज कौन सी है भाई, मेटाफेज है, उस पर तुम देख पाओगे अच्छे से उनकी मॉर्फोलॉजी, उनका नंबर सब कुछ काउंट कर पाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीड्स अ रीफॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप ड्यूरिंग एम फेज ऑफ द सेल साइकिल, मतलब इनमें से कौन सी है जो अब न्यूक्लियर एनवलप बन जाएगा एम फेज के टाइम पे, मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रीसीड्स द रीफॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप ड्यूरिंग एम फेज ऑफ द। अब तुम याद करो कि फिर से एम फेज में क्या होता था, जो एम फेज या फिर हम उसे बोलते हैं माइटोटिक फेज, वो एक्चुअल डिवीजन फेज होती है, वहाँ पे क्या होती है कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग वगैरह ये सारी चीज़ें बनती हैं, और रीफॉर्मेशन होता है न्यूक्लियर एनवलप का प्रीसीड्स द रीफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, मतलब उसके पीछे जो आने वाली है, तो कौन सी आएगी उसके पीछे, कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग और फ्रेग्मोप्लास्ट बनता है। देखो ये पुराना क्वेश्चन है काफ़ी, वैसे ये हमने तुम लोगों ने जैसे एनसीईआरटी में पढ़ा भी नहीं है, लेकिन मैं बता देती हूँ कि फ्रेग्मोप्लास्ट और ये सारी जो होते हैं ना कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग वगैरह बनती है इसके बाद, जब क्या होता है वहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप वगैरह ये सारी चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद ये आती है। अब जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग होती है ना वो बेल्ट लाइक होती है, एक्टिन और मायोसिन की बनी होती है, वो सेल डिविजन के टाइम पर आती है, और जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना इस रिंग की वजह से वहाँ पर तभी इसी रिंग की सेपरेशन की वजह से ही दो डॉटर सेल सेपरेट होते हैं। तो तुम इस क्वेश्चन को याद कर सकते हो कि जो एम फेज है एनवलप वाली, जो मतलब जब एम फेज चल रही होती है माइटोसिस वाली, तो कौन सी प्रीसीड इसके बाद आने वाली है, ठीक है, तो क्या आएगी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन होता है फ्रेग्मोप्लास्ट का, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग की वजह से ही क्या होती है जब उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है तो अभी क्या होता है वहाँ पे सेपरेशन होता है दो हमारी जो डॉटर सेल्स हैं, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, माइटोटिक स्पिंडल इज मेनली कंपोज ऑफ, अब जो माइटोटिक स्पिंडल है वो किस चीज़ का बना होता है। देखो अब जो फ्रेगमो, अब तुम्हें बता देती हूँ, जो फ्रेगमोप्लास्ट है ना वो क्या है, वो रीजन होता है प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म का जो एक एविडेंट अलग से दिखाई देता है माइटोसिस की फॉर्म में। तो बेसिकली ना ये रेसिडुअल होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का,
तो वैसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है, लेकिन फिर भी फ्रेगमोप्लास्ट को तुम ऐसे समझ सकते हो कि क्या ये एक रेसिडुअल है माइक्रोटिब्यूल्स का, और जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनती है जिसकी वजह से क्या होता है, सेपरेशन होता है दो डॉटर सेल्स का। बस इतना इंपॉर्टेंट है और इतना याद रखो। अब हम चलते हैं माइटोटिक स्पिंडल। जो माइटोटिक स्पिंडल है वो किस चीज़ के बने होते हैं, बेसिकली हमारे ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, और इन्हीं का सिंथेसिस होता है हमारे G2 में, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन्स का कहाँ होता है, एस फेज में। बेस्ट मटेरियल फॉर स्टडी ऑफ द माइटोसिस इन द लेबोरेटरी। अब देखो कि बेस्ट मटेरियल कौन सा है इनमें से मॉर्फोलॉजी पढ़ने के लिए, तो माइटोसिस तो भाई दोनों में ही होता है, लेकिन जो हम पढ़ते हैं कि जो मेरिस्टमेटिक सेल्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूस ग्रोथ चलती है क्योंकि वहाँ माइटोसिस चलता है। तो तुम्हें कहाँ मिलने वाला है यहाँ पे, माइटोसिस रूट टिप। अच्छा, बेस्ट स्पिंडल फाइबर यूनाइट विद विच स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। स्पिंडल फाइबर किसके साथ यूनाइट होते हैं क्रोमोसोम का, कौन सा स्ट्रक्चर होता है वो, हमारा कैनेटोकोर, क्योंकि कैनेटोकोर से ही अटैच होते हैं हमारे स्पिंडल फाइबर्स। ये हमारे कैनेटोकोर, ये हमारा कैनेटोकोर, और ये से जुड़े हैं स्पिंडल फाइबर्स। ये है सेंट्रो, ये हमारा सेंट्रो, और ये हमारा सेंट्रोमेर, और ये हमारा कैनेटोकोर। तो किससे जुड़ेंगे स्पिंडल फाइबर, कैनेटोकोर से। माइक्रोट्यूब्यूल इज इन्वॉल्व इन द, जो माइक्रोट्यूब्यूल है किसमें इन्वॉल्व होंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन में, मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में, मेम्ब्रेन आर्किटेक्चर में, सेल डिवीजन में, या डीएनए रीऑर्गेनाइजेशन में। तो जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो यहाँ पे कहाँ इन्वॉल्व है, सेल डिवीजन, क्योंकि स्पिंडल फाइबर जो किसके हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन और इन सब के बने होते हैं, तो इसलिए कहाँ मिले हैं, कहाँ इन्वॉल्व हैं, हमारे सेल डिवीजन में। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं 40 क्वेश्चन तक। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इसको एक बार खुद से दोबारा देख लेना, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो, कोई डाउट आया हो तो मुझे बता देना, उसको भी हम दोबारा सॉल्व कर लेंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।